गेम शो जैसे चलता रहा है, आज भी वैसे ही चलेगा। आप लोगों ने हमारा साथ दिया पूरी लीग पूरे रमजान में, और आज है उस लीग का ग्रैंड फाइनल। और जल्दी से बताता हूं, इस ग्रैंड फिनाले में आज हमारे साथ हैं जी कराची नाइट्स की टीम और लाहौर लेपर्स की टीम, जो बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंच तो गई है, चार टीमों को हरा कर पहुंची है। और बाकी मैं इनसे पूछता हूं कि इनके क्या तासुरात हैं फाइनल खेलने के बारे में। जनाब आमिर साहब पहुंच गए फाइनल में। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब हम लोग चार मैच लगातार आ रहे थे तो मतलब हमारे हर मैच फाइनल था, तो हम लोग हर मैच को फाइनल समझ के ही खेल रहे थे। आज भी हमारे लिए नॉर्मल डे है, क्योंकि हर मैच हमारे यहाँ प्रेशर नहीं है, क्योंकि फाइनल का ज्यादा प्रेशर होता है ना, जब आप जीतते आए या टॉप पे हो तो उसमें प्रेशर आप पे ज्यादा बढ़ जाता है, भाई फाइनल है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इन लोगों की जर्नी मैं आप लोगों को जल्दी से बताता हूँ, बिल्कुल वैसी है जैसे 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जर्नी थी। ये लोग लगातार चार मैच हार गए थे, उसके बाद जब से जीतना शुरू हुए इन्होंने सारे मैचेस जीते, अपने सेमीफाइनल हराया है और आज फाइनल खेलने बैठे हैं। अच्छा जी, मैं आपसे सारी लीग के दौरान ये कहता रहा कि हम आपको देने वाले हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनाम। काफी लोगों ने गैस करने की भी कोशिश की, बस वो बताने में शायद सिर्फ डेढ़ घंटा बाकी है। डेढ़ घंटे में आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो इनाम एक्चुअली है क्या। अब्दुल बासित कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनल खेल रहे हो? फाइनल खेल रहा हूं। एक्साइटेड हो? बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड। बेहतरीन बेहतरीन, ये तो एक और ही है इसके बाद। अभी तक फाइनल जीता नहीं है, जीत जाऊंगा। ऐसा हो रहा है यार तुम्हारे साथ तो। लेकिन बासित आज का मुकाबला है तुम्हारा सबसे तगड़ा। मैं और एक चीज बताऊं, मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द सीरीज के लिए दो ही लड़के थे मेरे जहन के अंदर, वो एक अब्दुल बासित था और एक आमिर था, और ये दोनों फाइनल खेल रहे हैं। आप दोनों में से आज कोई एक जीत जाएगा प्लेयर ऑफ द सीरीज। उसी तरह वुमन ऑफ द सीरीज जो है उनमें आप दोनों में से कोई एक जीत सकता है। आपकी क्या फीलिंग्स हैं तूबा? मुझे पता था हम फाइनल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम इतना अच्छा खेले थे तो फाइनल तक तो पहुंचना था। लेकिन एक खोल दो, बाइक्स ले आइए जल्दी से भाई, जबरदस्त। अच्छा जी, क्योंकि ये लीग यहाँ आज इख्तिताम पजीर होने वाली है, एक महीने का साथ रहा आप सब लोगों के साथ। ये मेरी प्रोडक्शन टीम है सारी, जो अनथक इन्होंने मतलब कि सोई भी शायद रात में ये तीन तीन चार चार घंटों के लिए थ्रू आउट पूरे रमजान में नहीं, और पिछले 10-12 दिन से बता रहा हूँ मैं आपको क्या हुआ है आप लोगों के साथ। पिछले 10-12 दिन से ये सारे लोग यहीं पर सो रहे हैं, बोल हाउस में ही रहते हैं, यहीं सहरी करते हैं, यहीं इफ्तारी करते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लाइव शोज चलते हैं हम लोगों के, और ये सारा क्रेडिट जाता है इन बच्चों को। इन सब के नाम मैं लेना चाहूंगा, हमारी प्रोडक्शन टीम के अंदर है हमारे डायरेक्टर शाहजेब खान रोहिला, फिर है प्रोड्यूसर हमारे शहरोज बिन आरिफ, अली असगर जाकिर, अम्मार साजिद, बिलाल अली खान, फराजुद्दीन, आलम अजीमी, अदील अख्तर। अच्छा जी, और इसके साथ साथ पीसीआर टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ में अब्दुल्ला रजाक, सज्जाद, मुज्तबा अली, तस्नीम, चार्ल्स सलीम, फहद अहमद, मुनीब, फर्रुख जावेद, जिनको हम चौको कहते हैं प्यार से, इस तरह साउंड और लाइट में है राज भाई, थैंक यू राज भाई, फुरकान अली, जुबैर अशरफ, अहमद, ओवेस, अजीज। इसी तरह मैनेजर टेक्निकल स्टाफ में अफाक अहमद हैं, कैमरा टीम यार मेरी थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबके नाम लूंगा मैं, दानिश अली डीओपी, मीर अफरोज अली, एस एम जहीद, रमीज वोरा, मोहम्मद यासीन, जियाउल्ला खान, अमीन सलीम, कुतुबुद्दीन खान, मेहताब हुसैन, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद मेहताब, सैयद अली अब्बास, आप लोगों का गाइस बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरा बैंड है, ये बैंड और मैं बिल्कुल एक जान हैं।
मुझे नहीं लगता कि कभी मैं अकेला इनके बगैर शो कर पाऊंगा। गाइस साथ साथ रहिएगा। साइम हमारे साथ होते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरी टीम में अप्पी, लकी ब्रो आपका नाम, फैजान, फैसल, रियाज पटेल और जॉन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ प्रोडक्शन टीम में हमारे उस्मान होते हैं और ये मेरा भाई, मेरा वॉलंटियर काशिफ जो हर वक्त साथ साथ है, 30 दिनों से मेरे साथ है। रेहान मेरे साथ होता है, मुझे कॉफी बना के पिलाता है, थैंक यू रेहान। और कोई रह गया भाई? अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया हूं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदील, अदील मसूद, मसूद हाँ आज वो नहीं आया है, मसूद नहीं आया है। तो ये मेरी टीम है, ये इन्होंने, और अरे साइम और फारूक मेरे दोनों फोटोग्राफर, आइए जल्दी से आइए भाई। ये मेरे फोटोग्राफर है फारूक, ये तो मेरे साथ होते हैं आप लोग जानते होंगे। ये साइम है, ये भी हमारे साथ साथ होते हैं, ये दोनों भी हमारे साथ रहे हैं तमाम शोज में। और मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी होता है जिसका नाम है वसीम, वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखता है, थैंक यू वसीम। चलिए पहले अनाउंस कर दूं, पहले कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ, कुछ और बातें रह गई हमारे पास विनर्स के साथ, जहां पर आज एक बहुत बड़ा इनाम जाने वाला है जो मैं अभी डिस्क्लोज करूंगा कि वो क्या है। साथ साथ जाएगी फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से भाई, जाइयों का मुकम्मल खात्मा, क्योंकि जो फेस फ्रेश वही ब्यूटीफुल। साथ में बाइकिया की तरफ से बाइक है, कहीं भी जाना हो या फिर कुछ भी मंगवाना हो बुलाओ बाइकिया, बाइकिया तो समझो बाइकिया। यूनाइटेड की तरफ से बाइक है जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक्स है। अच्छा जी, उसके बाद अल सिराज फार्म हाउस की तरफ से भी बाइक्स है, ये सब जाएंगी विनर के साथ। एसीआई तारा की तरफ से एलईडीज है हमारे पास, गोल्डन निम्को की तरफ से एलईडीज है। एसीआई तारा से आपके भाई की शान और पाकिजगी बरकरार, गोल्डन निम्को की एलईडीज है। निम्को का असल मजा तो गोल्डन निम्को में है। साथ साथ फर्स्ट स्टेप शूज एंड बैग्स की तरफ से भी एलईडी है, द वे ऑफ कंफर्ट। रनर सबके साथ जाएगा IHIG हैपली की जानिब से 90,000 का पैकेज, जाना और भूरबन बालाकोट घूमकर आना। अब दोनों में से कौन जाने वाला है मुझे नहीं पता। और रनर सबके साथ भी जाएगी एसीआई तारा की एलईडी, गोल्डन निम्को की एलईडी, फर्स्ट स्टेप की तरफ से एलईडी, अल सिराज की तरफ से बाइक, यूनाइटेड की बाइक भी, ये भी जाएगी रनर्स अप के साथ। लेकिन रनर्स अप है कौन ये मैं बताने वाला हूँ। गाइस आप लोग रेडी हैं? रनर्स अप कौन है आइए तो बताता हूँ कि आज का विनर कौन है और रनर्स अप पे कौन रहा है। गाइस 4 नंबर का ब्रीफकेस मंगवा लिया लाहौर ने, और मैं जल्दी से बताना चाहूंगा ये 4 नंबर मंगवा कर आपने इस लीग का सबसे बड़ा ब्लंडर नहीं किया, नहीं मारा, बच गए 1 लाख रुपए से। 9 लाख रुपए हटाइए जल्दी से। अच्छा जी लाइए, ऐसे हो सकता है ये बाकी वो कुल वाले अगर गेम उनको दे दें। टाइम खत्म हो गया है, अब जल्दी से आप बताइए क्या चाहिए। हम नंबर 5 कौन सा ब्रीफ केस, क्योंकि 1 हम अपने पास रखेंगे। नंबर 5 अभी तो 1 आपने चूज किया था तो हम गाइस मैं ओपन करने लगा हूं नंबर 5 जल्दी से, टाइम खत्म हो गया हमारे पास, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। ये क्या बात हुई, आप डोमिनेट कर रहे हैं अपनी टीम पे। 5 नहीं उन्होंने बोला थ्री, टीम आप डोमिनेट कर रहे हैं। ले भाई ये नंबर 5 जाएगा वापस, जिनके पास से आया उनके पास। नंबर 3 ले आइए, ये भी हमें दे दो ना यार, ये कैसे दे दें आगे तो लाइए नंबर 3 जल्दी से आखिरी कॉल लूंगा आपकी, बताइए नंबर 3 ओपन कर दो। क्या लगता है पक्का वो आइए 5 खुलवाना चाह रहे थे, नंबर 3 बोला और ले पड़ते हैं, पहले 5 खुलवाना चाह रहे थे, फिर पता नहीं ज़हन में क्या आया नंबर 3 खुलवा दिया। 5 खुलवाया था तो क्यों नहीं खुलवाया फिर, उनकी बातों में क्यों आ गए आप लोग? टेंशन ना ले, नहीं है, नहीं किया। जनाब 6 लाख रुपए बाहर, मैं 2 ब्रीफकेस इसका थैंक यू अदा कर रहा हूँ, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, दैट्स व्हाई। थैंक यू गाइस, अब ये जो काम है ये बड़ा मुश्किल है मेरे बस लिए। तो गेम को यहीं पे खत्म कर दे भाई, आगे नहीं जा रहे। काश मेरे अख्तियार में ये होता मैं यहाँ खत्म कर देता, लेकिन अब ये काम बहुत मुश्किल है मेरे लिए खुद भी। जल्दी से बताइए, टाइम ऊपर गया है सर, हम टाइम से ऊपर जा चुके हैं, मुझे बताइए फहीम कौन सा ब्रीफ केस ओपन करूं मैं, किसमें 5 खुलवा दें, 5 खुलवाएं, खुलवा 5 में मैं होता आपकी जगह तो 5 खुलवाता।
जल्दी से अब आप मेरी किस्मत के साथ खेल रहे हैं, खेल लें अपने माइंड से सोचिए आप। सोशल मीडिया में क्या कह रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं लोग भाई? सोशल मीडिया वाले कहेंगे वन को एक्सचेंज कर लें फाइव से। सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं फाइव खुलवा दें, कह रहे हैं फाइव खुलवा दें। ओ सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं वन के अंदर 10 लाख रुपए है, फाइव खोल दिया जाए। ओके जल्दी से गाइस, जल्दी से, बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं हमें इस वक्त, सबको इंतजार है। गेम शो ऐसे ऐसे चलेगा लीग के विनर का, कि पहला विनर कौन है पहले सीजन का। हो पता क्या रहा है हम तीनों में, इससे क्या हो रहा है कि सब चाह रहे वो नंबर भी चूज कर ले, लेकिन वो नहीं भी चूज कर पा रहे, जो चूज करेगा उसमें बात आ जाएगी। और मैं सोशल मीडिया के मैं अगर पर्सनली इस वक्त, क्योंकि लेकिन उसका उस इनाम से कंपैरिजन उतना ज्यादा नहीं। रनर्स अप वाला बता दें यार प्लीज, थोड़ा हौसला हो। 20 लाख रुपए जाएंगे रनर्स अप के साथ, जो भी टीम होगी रनर्स अप तुम दोनों के, बस 20 लाख रुपए रनर्स अप के साथ जाएगा यार। लेकिन हम भी विनर के साथ जाने वाला है वो आपके होश उड़ाएगा। पांच नंबर ब्रीफ केस आखिरी बार पूछने जा रहा हूं इस लीग में, मैं ओपन कर दूं? नहीं ऐसन भाई, अगर हम हारे 10-10 इनको दूंगा, अगर आप लोग हार गए खुदा ना खास्ता तो 16 लाख आपके साथ, 2-2 इनके साथ। अगर मैं जीता, अगर मैं जीता तो इन पैसों में से 30% तो जाएगा चैरिटी में। जबरदस्त, 30% चैरिटी में जाएगा, और फिर ये मेरे जो चीते कहेंगे वो करेंगे हम, अगर मैं जीता। गुड, अगर मैं हारा तो सब इनके हैं, मैं कुछ नहीं लूंगा। बहुत आला, जबरदस्त। अब बस बाकी बातें छोड़ो, पांच को ले, एक को ले, सेम गोज टू देम। पांच खोल दूं? सोशल मीडिया कह रहा है पांच खोल दो, ये कह रहे हैं पांच खोल दो, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों रहे खेल, ये दोनों रहे, आज फर्स्ट टाइम डर मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा भाई ये गेम ये इनाम ले जा रहे हैं। लाहौर लेपर्स ने ओपन करवाया नंबर पांच और इनकी पावर हो गई। ओके थैंक यू लाहौर लेपर्स, 3 लाख रुपए ब्रीफकेस में, इसका मतलब है दूसरा ब्रीफकेस लाइए। ब्रीफकेस नंबर वन में वाकई आज 10 लाख रुपए थे, कितने फैंस थे उन सब ने आपसे। और अब मैं बताने वाला हूं तारीख का सबसे बड़ा इनाम, रनर्स अप हमारी टीम है कराची नाइट्स, इनके साथ जाएंगे, इन सब चीजों के अलावा 20 लाख रुपए कैश। बहुत अलग गाइस, रवि का और आमिर के पास जा रहे हैं इसमें से, वेल डन गाइस, इनाम इन दोनों के। अच्छा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। जी बोलिए। मैं पूरा एक महीना हम लोगों ने गेम खेला इधर, तो बहुत लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लेकिन जो ये यहाँ की टीम है इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और दानिश भाई आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हमारा, एहसन भाई ने और फहीम भाई अपोजिट टीम में होके भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया, और बहुत ज़्यादा हौसला मिला, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच आप सब। चलिए गाइस, अब वो इनाम जो आपके होश उड़ाएगा, और आपकी ईदी आज यहाँ मिलने वाली है आपको, ईद आपकी यहीं से शुरू हो जाएगी। लाहौर लेपर्स के साथ जाएंगे इन सब चीजों के अलावा पूरे 1 करोड़ रुपए। बहुत वेल डन, करियर का क्या अमेजिंग स्टार्ट है यार, 1 करोड़ हमने पता नहीं कितने सीरियल्स करने के बाद कमाए होंगे उस जमाने में, लेकिन व्हाट अ स्टार्ट यार, जबरदस्त। आपको थैंकफुल होना चाहिए अल्लाह ताला को और आपके सारे फैंस का भी गाइस, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द लीग लाहौर को और कराची को भी। चलिए जी, साथ साथ एक सरप्राइज आप लोगों के लिए, क्योंकि ईद भी आने वाली है, वो ये कि हम इसी लीग को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, एक और नाम चेंज करेंगे। ईद पर भी देखना ना भूलिएगा, ये सारे चैंपियंस, सारे टिकटॉकर्स हमारे साथ तीनों दिन होंगे। एक टीम होगी टीम चैंपियंस की, एक टीम होगी टीम टिकटॉकर्स की, 6 चैंपियंस यहाँ, 6 टिकटॉकर्स यहाँ। और अब मैं 2 दिन शोज नहीं करूंगा, पहले हमारे शो सैटरडे संडे होते थे गाइस, वो शोज अब नहीं होंगे गाइस, कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब मैं 3 दिन शोज करूंगा, सैटरडे संडे मंडे, 3 दिन शोज हुआ करेंगे हमारे अब। तो हमें देखना ना भूलिएगा और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अब जितने लोग घर बैठे हैं वो सब बैठे बैठे मेरे साथ बोलेंगे, मुझे आवाज आ रही है सबकी, गेम शो ऐसे चलेगा।